आर्यो के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया? आर्कटिक होम सिद्धांत बीजी तिलक ने लिया, बाल गंगाधर तिलक ने। ये क्वेश्चन कई बार आया, यूडीसी उत्तराखंड पीसीएस में भी आया है। तो आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का थ्योरी जो है बाल गंगाधर तिलक का है। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुभा कर्मु जो काबुल में है, और क्वेश्चन है ऋग्वेद की लक्षणिक विशेषता इनमें से कौन नहीं है? ऋग्वैदिक आर्यों की लक्षणिक विशेषता कौन नहीं? वे अश्वों, रथों और कांस के उपयोग से परिचित थे, सही है। वे लोहों के उपयोग से परिचित थे, ये बात गलत है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल 1500 ईस्वी पूर्व में शुरू हो जाता है, तो जाहिर सी बात है आयरन का आविष्कार हुआ है 1000 ईस्वी पूर्व में, और प्रचलन में तो 600 में आया है, तो जाहिर सी बात है ये आंसर सही नहीं है, क्योंकि वो प्रचलन में नहीं था, और आया भी होगा अगर 1000 ईस्वी पूर्व में तो अभी वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है। इसमें क्या गया ऋग्वेद की आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है, मतलब वो मेल कैरेक्टर नहीं है। अगर 1000 ईस्वी पूर्व में आविष्कार भी हुआ तो कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से, और देवताओं को मिलाने के लिए दिया गया है पूषण विवाह का देवता, रुद्र पशुओं का देवता, और धौ जगत के पिता, अदिति देवों की महान माता। तीन कर्मों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपकर्म कहा गया है? विष्णु, इसका सही उत्तर है, विष्णु को उपकर्म कहा गया है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म क्या था? आइए इसका प्रश्न है, प्रकृति पूजा और यज्ञ। आपको पता है, इसमें ऑप्शन में आपको दिखाता हूं, बहुत बेहतरीन सवाल है, बार बार रिपीट होने वाले सवाल है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था ए भक्ति, बी मूर्ति पूजा और यज्ञ, सी प्रकृति पूजा और यज्ञ, डी प्रकृति पूजा और भक्ति। जी नहीं, भक्ति नहीं थी, मूर्ति पूजा और यज्ञ तो थी नहीं, प्रकृति पूजा मुख्य रूप से थी और यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति नहीं थी, तो प्रकृति पूजा मुख्य है और यज्ञ करते थे वे लोग, मूर्ति पूजा बाद की इजाद है। और ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, ये भी प्रश्न आया, 102 1028, और भी कुछ प्रश्न हम देखते हैं। हम आपको ये बता दें कि ये सारे प्रश्न जो आए हैं ये सारे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में आए हैं, आईएएस, पीसीएस, एलटी, टीटी, समूह, बैंकिंग, रेलवे, हर क्षेत्र में। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 275 बार। और ऋग्वेद में विष शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 170 बार। ऋग्वेदिक कालीन समाज किस प्रकार की सत्ता का समाज था? पितृ सत्तात्मक। और जाति व्यवस्था, गोत्र व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था का उल्लेख सर्वप्रथम कहां मिलता है? उत्तर वैदिक काल में। त्रिकोण कैज मैनाक किस काल के महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां हैं? त्रिकोण कैज और मैनाक उत्तर वैदिक काल के।
स्त्रियों की स्थिति पहले की अपेक्षा बदतर हुई। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। कुरु वंश की स्थापना किसने की? कुरु। भरत एवं पूर्व कबीले मिलके कुरु वंश की स्थापना की। प्रजापति की दो पुत्रियां किसे कहा जाता है? सभा और समिति को अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्रियां कहा जाता है। और कुछ और प्रश्न हम देख लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है इससे रिलेटेड। पशुओं के देवता को क्या कहा जाता है? पूसन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में विवाह की उम्र क्या थी? संभवतः 16-17 वर्ष। सेना की क्या व्यवस्था थी? नियमित कोई सेना नहीं थी, लेकिन युद्ध के समय नागरिक सेना का प्रयोग किया जाता था। समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था? ऋग्वैदिक काल में समाज कितने वर्गों में बटा था? ऋग्वैदिक काल में समाज 3 वर्गों में बटा था, योद्धा, पुरोहित और सामान्य लोग। और चौथा वर्ग शूद्र कहलाता था। योद्धा, पुरोहित, सामान्य और चौथा वर्ग बाद में इजाद हुआ, शूद्र। व्यापार और वाणिज्य किन वर्गों के हाथ में था? पणी वर्ग, पणी। ये मवेशी चोर भी होते थे। सोने के आभूषण को ऋग्वेद काल में क्या कहा जाता था? पहले भी ये प्रश्न गुजरा है, निस्क, निस्क कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में सामाजिक विभेद का प्रमुख कारण क्या था? आर्यों का स्थानीय निवासियों पर विजय। आर्य चूंकि मध्य एशिया से आए थे, सर्वमान्य स्वीकृति के अनुसार मध्य एशिया से आए थे, बाहर से आए थे, तो यहाँ के लोगों पर उनका चूंकि विजेता थी, इसीलिए ये एक प्रकार का असमानता समाज में डेवलप हो गया था। दशराज युद्ध किनके बीच हुआ था? तो दशराज युद्ध भरत वंश के शासक सुदास तथा 10 राजाओं, 5 आर्य प्लस 5 आर्येतर, इनके बीच हुआ था। सुदास के और 10 राजाओं के बीच हुआ था, 5 आर्य और 5 आर्येतर के बीच में हुआ था। तो भरत वंश के शासक सुदास के बीच और उन 10 राजाओं के बीच लड़ाई हुई थी। उसमें 5 आर्य राजा थे और 5 आर्येतर थे, इसको अच्छे से समझ लीजिए। भारत में आर्य लोग जहां सर्वप्रथम बसे उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सप्त सैंदव प्रदेश, सप्त सैंदव प्रदेश। और
मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक कवर हमने कर लिया है, थोड़ा और देख लेते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा और। शतपथ ब्राह्मण में हल की जुताई से संबंधित अनुष्ठानों के बारे में विस्तृत विवरण मिलता है शतपथ ब्राह्मण में हल की जुताई के बारे में। और क्वेश्चन है कि चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन, चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन सर्वप्रथम कहां मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक शिक्षा पद्धति की झलक कहां मिलती है? ऋग्वैदिक शिक्षा पद्धति की झलक ऋग्वेद के मुंडकोपनिषद मंडूक सूक्त में मिलती है, मंडूक सूक्त में। पुनर्जन्म का सिद्धांत सर्वप्रथम कहां मिलता है? पुनर्जन्म का सिद्धांत सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलता है। तीनों आश्रम का सर्वप्रथम वर्णन कहां मिलता है? यानी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। आश्रम चार हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। लेकिन तीन आश्रम का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। और चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है जादालोपनिषद में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और गोत्र व्यवस्था किस काल में उद्भव में आई? उत्तर वैदिक काल में। किस अवस्था में चारों आश्रम स्पष्ट हो गए, स्पष्ट रूप? उत्तर वैदिक काल में। मूर्ति पूजा का आरंभ किस काल में हुआ? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार के मृदभांड सर्वाधिक प्रचलन में थे? लाल मृदभांड। लेकिन स्पेशल मृदभांड कौन थे? विशिष्ट चित्रित धूसर मृदभांड, वो विशिष्ट थे। सोने के सिक्के को निस कहा जाता था, तो चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? शतमान। यम और नचिकेता की कहानी किस जगह मिलती है? कठोपनिषद में मिलती है, कठोपनिषद में मिलती है। और निष्काम कर्म का सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन कहां हुआ, किस में हुआ? ईसोपनिषद में हुआ। निष्काम कर्म का सिद्धांत ईसोपनिषद। और वेदांग कितने हैं? मैं आपको बता दूं, वेदांग छह प्रकार के हैं, कई एग्जाम में आते हैं। और वेदांग वेद को समझने के लिए बहुत जरूरी होता है। वेद की बारीकियों को, व्याकरण को, उनकी भाषा को समझने के लिए वेदांग पे पकड़ जरूरी है। वो छह कौन हैं? इसमें आएगा इनमें से कौन नहीं है। तो वो छह हैं, कल्प, ज्योतिष, छंद, छंद, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, व्याकरण। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त, ये छह वेदांग है। तो
तो चलिए, हमने करीब करीब पूरा वैदिक काल कवर कर दिया है और इस वीडियो को आप लिख लें तो बहुत बेहतर है, और वरना 10 बार आप सुनेंगे तो आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा। जब भी मौका मिले इस वीडियो को आप जरूर सुने। इस वीडियो को वो लोग जो हर तरह के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और जो हिस्ट्री से नेट की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। तो मैं समझता हूँ आपका ये चैप्टर बहुत स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, थैंक यू।